हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रदीप संबेले क्लासेस। प्रदीप संबेले क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं क्लास टेंथ सेशन 2020-21 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड सैंपल क्वेश्चन पेपर, जो कि CBSE के द्वारा ऑफिशियली इशू किया गया है, तो उसको मैं सॉल्व कराने जा रहा हूँ। तो इसमें पूरा जो क्वेश्चन पेपर है वो 80 मार्क्स का है और ये दो पार्ट्स में बांटा हुआ है, पार्ट ए एंड पार्ट बी में। पार्ट ए में सेक्शन 1 और सेक्शन 2, ठीक है, टू सेक्शंस में बांटा गया पार्ट ए को। और सेक्शन 1 में क्वेश्चन 1 to 16, यानी 16 क्वेश्चंस हैं और हर एक 1 मार्क ईच है। तो ये इसकी वीडियो मैं पहले ही बना चुका हूँ, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। सेक्शन 2 में क्वेश्चन 17 to 20 है और ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस हैं, जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 4 क्वेश्चंस हैं इसमें, केस स्टडी बेस्ड हैं। और हर एक क्वेश्चन में 5 सब पार्ट हैं और उन 5 सब पार्ट में से कोई भी 4 करने हैं हमें, ठीक है, 5 सब पार्ट में से कोई भी 4 करने हैं। तो इसमें भी क्वेश्चन नंबर 17 को मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ, तो उसको भी आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। इस वीडियो में मैं क्वेश्चन 18, क्वेश्चन 19 और क्वेश्चन 20, ये 3 क्वेश्चन केस स्टडी बेस्ड कराने वाला हूं, तो पूरी वीडियो में हमारे साथ बने रहिएगा। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 जो है स्केल फैक्टर एंड सिमिलरिटी के ऊपर बेस्ड है, यानी सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स इसमें आएगा। सिमिलरिटी क्या होती है? सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स में आपने पढ़ा होगा कि जब शेप जो है सेम होती है बट डिफरेंट साइज डिफरेंट होती है, तो ऐसे केसेस में हम उसको कहते हैं कि वो सिमिलर है ट्रायंगल्स, ठीक है, तो ये दिया हुआ है। दूसरा क्या है, स्केल जो है इसमें रेशियो में है, यानी स्केल इज रिटन एज ए रेशियो, और इस रेशियो को आप यहाँ देख सकते हैं कि स्केल फैक्टर इज इक्वल टू लेंथ इन इमेज अपॉन करेस्पॉन्डिंग लेंथ इन ऑब्जेक्ट। इमेज ऊपर है, ऑब्जेक्ट नीचे है, ठीक है। तो इफ वन शेप कैन बिकम अनदर यूजिंग रिसाइजिंग देन द शेप आर सिमिलर, ये इसमें बताया गया है कि अगर रिसाइज कर देते हैं, मतलब इसकी रिसाइज अगर कर देते हैं, मतलब छोटे से या तो बड़ा कर देते हैं, बड़े से छोटा कर देते हैं, तो ये सिमिलर होंगे, ठीक है। यहां पे हम देख रहे हैं, तो ये तो हमने रिसाइज वाली तो देख ही ली थी वहां पे, यानी ये रिसाइजिंग की फिगर है। रिसाइज यानी छोटा किया, छोटा था उसको बड़ा किया, बड़े को छोटा, यानी साइज छोटी बड़ी होने से, साइज चेंज होने से भी वो सिमिलर रहेंगे ट्रायंगल, ये ट्रायंगल आपस में सिमिलर रहेंगे। या फिर दूसरा कारण हो सकता है फ्लिप करके, तो फ्लिप करके या रिफ्लेक्ट करके, यानी रिफ्लेक्शन के बाद में, रिफ्लेक्शन या फ्लिप पे भी वो सिमिलर रहेंगे, तो ये ट्रायंगल इसके सिमिलर रहेगा। तीसरी कंडीशन है इसमें स्लाइड, स्लाइड का मतलब ट्रांसलेट करना या स्लाइड करना, इस केस में भी ये आपस में सिमिलर रहेंगे, तो ये हमें बताया गया है। चौथा बताया है हमें टर्न करने पे, यानी टर्न या रोटेट करने पे भी ये सिमिलर रहेंगे, तो ये हमें बता दिया। अब इसके बाद में इसके ऊपर क्वेश्चंस हैं, तो अब फटाफट हम क्वेश्चंस की तरफ नजर डालते हैं, तो इसमें चलते हैं। तो इन चारों कंडीशन में क्या हो रहा है, सिमिलर हो रहे हैं ये, ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना है। अब हम क्वेश्चंस से स्टार्ट करते हैं। तो यहां पे है, अ मॉडल ऑफ अ बोट इज मेड ऑफ अ स्केल ऑफ 1:4, तो 1:4 के स्केल में एक मॉडल है, तो यहां पे हम मान लेते हैं कि ये मॉडल है, ठीक है, मॉडल है, और ये जो है ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट मतलब बोट है यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या है, 1:4 में है, यानी 1:4 में है, तो 1:4 ये 1 है, अगर ये तो 4 है, तो वो कह रहा है कि मॉडल इज 120 सेंटीमीटर लॉन्ग, द फुल साइज ऑफ द बोट हैज विड्थ 60 सेंटीमीटर, और व्हाट इज द विड्थ ऑफ द स्केल मॉडल, तो हमें विड्थ से मतलब है, लेंथ से कोई मतलब नहीं। तो विड्थ वो कह रहा है कि अगर ऑब्जेक्ट की विड्थ, फुल साइज ऑफ द बोट हैज विड्थ ऑफ 60 सेंटीमीटर, अगर इसकी ऑब्जेक्ट की विड्थ जो है 60 सेंटीमीटर है, तो हमें मॉडल की विड्थ बतानी है, व्हाट इज द विड्थ ऑफ द स्केल मॉडल, तो स्केल मॉडल की विड्थ बतानी है, मतलब ये हमें कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम इसका कंपेयर करें, अगर तो 4 और 60 में क्या, 4 में कितने से मल्टीप्लाई करें कि ये 60 हो जाए, तो 15 टाइम्स ऑफ 4 इज इक्वल टू 60, 15 × 4 = 60, तो इसमें भी वही रिलेशन होगा, यानी इसमें भी 15 से अगर हम मल्टीप्लाई करें 1 में, 15 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करें, मतलब यहाँ पे 15 है, 15 मल्टीप्लाइड बाय 1 करें, तो कितना हो जाएगा ये, दैट इज इक्वल टू 15 हो जाएगा। समझ में आ गया, ये 4 को 15 से मल्टीप्लाई किया तो 60 हो गया, तो 1 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आएगा, यानी आंसर हमारा क्या हो गया, 15 हो गया। चलो अगर ऐसे समझ में नहीं आया तो हम दूसरे तरीके से इसको बता देते हैं कि रेशियो दिया हुआ है 1:4, यानी 1/4 लिख सकते हैं। इसमें उसने विड्थ पूछी है स्केल मॉडल की, तो हम मान लेते हैं कि इसकी स्केल मॉडल की विड्थ एक्स सेंटीमीटर है, और उसकी जो दी हुई है, माने ऑब्जेक्ट की जो विड्थ दी है वो 60 दी है, तो इसको हमने 60 लिख दिया, तो 1/4 इज इक्वल टू एक्स अपॉन 60, कॉस मल्टीप्लाई किया 4x इज इक्वल टू 60, एक्स इज इक्वल टू 60, और ये 4 मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में चला गया, 4 × 1 = 4, 4 × 15 = 60, तो इस तरह से ये एक्स इज इक्वल टू 15 यहाँ से भी आ गया, तो आप कैसे भी समझ लें ऐसे, अगर या फिर ऐसे, ठीक है। अब करते हैं इसका बी सब पार्ट। बी सब पार्ट में देखिए, व्हाट विल इफेक्ट द सिमिलरिटी ऑफ एनी टू पॉलीगॉन्स,
अब पॉलीगॉन में इसमें ट्रायंगल का एग्जांपल दिया है तो हम ट्रायंगल को ही मान के चलते हैं। सो वो कह रहा है इफेक्ट कौन सी चीज़ डालेगी सिमिलरिटी में, तो अब देखिए इफेक्ट क्या क्या डाल सकता है। देखिए फ्लिप करने पे इफेक्ट नहीं होगा, वो सिमिलर होंगे। डायलेट करने पे भी स्केल फैक्टर बाय स्केल फैक्टर से अगर डायलेट कर देते हैं उसको तब भी वो सिमिलर रहेगा। हमें चार कंडीशन उसमें देखी थी अपन ने। और थर्ड में क्या है, ट्रांसलेट करते हैं तो ट्रांसलेट अगर करते हैं, ट्रांसलेट डाउन करते हैं तब भी वो सिमिलर रहेगा। मतलब इन तीन से तो कोई इफेक्ट होने वाला नहीं है। अब चौथे वाले को हम देखते हैं, इसमें देखिए थोड़ी लैंग्वेज चेंज की है। दे आर नॉट द मिरर इमेज। मिरर इमेज एक्चुअली क्या होता है, हमने उसमें पढ़ा था रिफ्लेक्शन, तो रिफ्लेक्शन ही तो हमारी मिरर इमेज होती है। तो रिफ्लेक्शन पे वो क्या हो रहा था, सिमिलर हो रहा था, बट यहां तो नॉट लगा दिया ना, तो नॉट लगा दिया इसका मतलब इफेक्ट डालेगा, क्योंकि रिफ्लेक्ट अगर करते हैं रिफ्लेक्शन पे क्या हो रहा है कि वो सिमिलर रहते हैं, रिफ्लेक्शन पे भी वो सिमिलर रहते हैं, रिफ्लेक्शन पे मतलब मिरर में हम देखते हैं तो वो सिमिलर रहते हैं, लेकिन यहाँ पे नॉट लगा दिया इसका मतलब ये इफेक्ट डालेगा सिमिलरिटी पे, इसका मतलब यही इसका करेक्ट आंसर है। तो इसमें लैंग्वेज हमें विशेष करके देखनी होती है। चलिए बढ़ते हैं इसके सब पार्ट सी की तरफ। इसमें क्या है, इफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स हैव अ स्केल फैक्टर ऑफ ए रेशो बी, ए रेशो बी में स्केल फैक्टर दिया हुआ है, सो विच स्टेटमेंट रिगार्डिंग द टू ट्रायंगल्स इज ट्रू। तो एक बात हम समझ लें कि स्केल फैक्टर में इसका जो रेशियो दिया हुआ है सिमिलर ट्रायंगल्स का ए रेशो बी, तो इसका पेरीमीटर हो या एल्टीट्यूड हो या मीडियन हो या एंगल बाइसेक्टर हो, सभी का रेशियो यही रहेगा ए रेशियो बी। तो अब हम इसमें देख लें कि जिसमें ए रेशियो बी होगा वही सही होगा, क्योंकि ट्रू वाली बात कर रहा है। तो देखिए ये तो गलत है, 3A रेशियो बी नहीं हो सकता, ए रेशियो बी ही होना चाहिए क्या, पेरीमीटर, तो ये गलत हो गया। ठीक है, पेरीमीटर क्या होना चाहिए था, ए रेशियो बी, बट यहाँ तो लिखा है 3A रेशियो बी। अब इसमें एल्टीट्यूड ए रेशियो बी होना चाहिए, हाँ बिल्कुल सही है, तो ये हमारा सही है। अब देखिए फिर भी इनको भी चेक कर लेते हैं, देयर मीडियन हैव अ रेशियो ऑफ ए अपॉन टू रेशियो बी, तो ये भी गलत है क्योंकि ए रेशियो बी ही होना चाहिए। ठीक है, एंगल बाइसेक्टर हैव अ रेशियो ऑफ ए स्क्वायर रेशियो बी स्क्वायर, तो ये भी गलत है क्योंकि ए रेशियो बी होना चाहिए। तो इसको एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूं कि अगर कोई सिमिलर ट्रायंगल्स हैं उनका स्केल फैक्टर अगर ए रेशियो बी है तो उसका पेरीमीटर हो या उसका एल्टीट्यूड हो या उसका मीडियन हो या उसका एंगल बाइसेक्टर हो, हर एक का रेशियो वही रहेगा, ए रेशियो बी रहेगा। तो जिसमें ए रेशियो बी है उसी को हम टिक कर देंगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं इसके डी सब पार्ट की तरफ। डी सब पार्ट में देखिए यहाँ पे ये सनरेज पड़ रही हैं, यहाँ पे ये ट्री है, ये स्टिक है, तो अब इसको देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। द शैडो ऑफ द स्टिक 5 मीटर लॉन्ग इज 2 मीटर, तो इसकी स्टिक की जो हाइट दी है वो 5 मीटर दी है और इसकी शैडो जो है वो 2 मीटर दी है। ठीक है, इस तरह से दिया हुआ है। एट द सेम टाइम शैडो ऑफ द ट्री 12.5 मीटर हाई, तो 12.5 मीटर हाई ट्री है तो इसकी हाइट कितनी है 12.5 मीटर, और इसमें क्या निकालना है, एट द सेम टाइम द शैडो ऑफ द ट्री इज, यानी शैडो हमें निकालनी है तो शैडो को हम एक्स मान लेते हैं। अब देखिए इसमें एक चीज हम ध्यान से देखें कि सिमिलरिटी में, जैसा कि सिमिलरिटी में होता है, तो जब सनरेज एक ही टाइम पे पड़ रही है, क्योंकि यहाँ पे लिख रहा है वो एट द सेम टाइम, सेम टाइम का मतलब क्या है, यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन ये सेम होगा, एंगल इसका सेम होगा, तो ये एंगल और ये एंगल बराबर है और ये जो है परपेंडिकुलर है और ये भी बेस से परपेंडिकुलर है, तो यानी ये 90-90 हो गया। तो ये एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरियन से ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे, और जब ये सिमिलर होंगे तो इनकी करेस्पोंडिंग साइड्स सेम रेशियो में होंगी। ठीक है, तो ये करेस्पोंडिंग साइड्स जब सेम रेशियो में होंगी तो लेंथ को लेंथ से डिवाइड कर दो, शैडो को शैडो से डिवाइड कर दो, बस हो गया आंसर, इज इक्वल टू लगा दो बीच में। तो यहां पे देखिए लेंथ ऑफ ट्री यानी हाइट ऑफ ट्री कितनी है, 12.5 है। ठीक है, सो 12.5 हाइट और अपॉन में हाइट ऑफ स्टिक ले लो, तो हाइट ऑफ स्टिक कितनी है 5 है, तो अपॉन में 5 ले लो, और ये किसके इक्वल टू होना चाहिए, करेस्पोंडिंग साइड्स जो है सेम रेशियो में होती हैं, ये उसका सिमिलरिटी का वो है। तो करेस्पोंडिंग साइड्स मतलब ये हमने, ये इसके करेस्पोंडिंग है, तो इसको लिख लिया हमने 12.5 अपॉन 5, और ये वाली इसके करेस्पोंडिंग में है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, शैडो इसकी ट्री की शैडो कितनी है x है, और स्टिक की शैडो कितनी है 2 है। तो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये 5 × x हो गया 5x, और 12.5 मल्टीप्लाइड बाय 2 यानी 12.5 का डबल कर दीजिए तो ये 25 हो गया, तो 25 हो गया, तो 5 × 5 और 5×5 = 25, तो इस तरह से ये x इज इक्वल टू हमारा 5 आ गया। तो x इज इक्वल टू 5 क्या आ गया, मीटर में आ गया, तो 5 मीटर जहाँ पे ऑप्शन है उसी को हम टिक कर देंगे, तो ये फोर्थ वाला करेक्ट होगा। चलिए बढ़ते हैं ई सब पार्ट की तरफ। ई सब पार्ट को हम जल्दी जल्दी देखते हैं, ये थोड़ा सा बड़ा लेंदी है थोड़ा सा। ठीक है, तो हमने चार तो करने थे, कोई 5 में से 4 करने थे, तो ए बी सी डी डी तक तो हमने कर ही लिए 4, पाँचवा भी बता देते हैं। तो इसमें क्या है कि एक स्टूडेंट जो है मैथमेटिकल मॉडल है, ये मैथमेटिकल मॉडल है, और इसमें ए बी सी डी ये जो स्क्वायर है, और इसमें ई एफ जी एच एल एम एन ये क्या है, बीम्स हैं, ये बीम्स हैं जो वायलेट कलर से दिख रही हैं। ठीक है, बैगनी कलर से, तो ये बीम्स हैं, और इसमें जो ये दिए हुए हैं ई एफ जी एच, ये क्या है, मिडिल पॉइंट्स हैं,
ई मिडिल पॉइंट है ए टी का, एफ मिडिल पॉइंट है बी टी का, और जी मिडिल पॉइंट है सी टी का, और एच मिडिल पॉइंट है डी टी का। चलिए, और इसमें एक और चीज दी है, वो क्या दिया है, मॉडल हैव अ लेंथ ऑफ 12, यानी एच जो है ना इसकी 12 है, तो ये भी 12 है, ये भी 12 है, इसके पीछे वाली 12 है, ये भी 12 है, और इधर ये चारों माने आठ की एट एजेज 12 मीटर लेंथ की है। चलिए अब क्वेश्चन पर बढ़ते हैं अपन, तो क्वेश्चन पर पहुंचते हैं, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। तो यहाँ पे देखिए, हमने एक चीज देखी थी कि ई एफ सी जी एच जो है इसके मिडिल पॉइंट्स हैं, और इसने पूछा है लेंथ ऑफ ई एफ पूछी है। तो लेंथ ऑफ ई एफ पूछी है मतलब हम सिमिलरिटी वाले में एक ट्रेंगल बना लें, अगर ये ए बी टी इसको देखें ध्यान से, तो इसमें क्या है ई और एफ जो है इसके मिड पॉइंट्स हैं, मिड पॉइंट थ्योरम लग जाएगी इसमें, मिडिल पॉइंट मतलब मिड पॉइंट। अब ई एफ को अगर हम जोड़ दें तो ई एफ की इसने लेंथ पूछी है, तो ई एफ की लेंथ पूछी है, तो इसकी मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है कि अगर जो है कोई दो साइड्स के मिड पॉइंट है यानी ई और एफ, ठीक है, ई एफ आर द मिड पॉइंट्स, तो इसके अपोजिट में जो साइड है, अपोजिट में साइड कौन सी है, इसके अपोजिट में देखिए ए बी है, तो इसकी जो लेंथ होगी उसकी हाफ होगी ये ई एफ, ई एफ क्या होगी उसकी हाफ होगी। तो यहां पे हमें ई एफ की ही लेंथ निकालनी है, तो हम सीधा लिखेंगे ई एफ इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। तो हाफ ऑफ ए बी का मतलब क्या हुआ, हाफ ऑफ ए बी यानी ए बी कितना है हमारा, ये ए बी है 12, देखिए ये 12 दी है यहाँ पे, तो यहाँ पे हाफ ऑफ 12 यानी कट गया, तो 2 6 12, तो कितना आ गया हमारा 6 मीटर आ गया, यानी 6 मीटर ये आंसर हो गया, ठीक है। तो अब इस तरह से हमें करना था। अब चलिए बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है, ये केस स्टडी बेस्ड 3 है, एप्लीकेशन ऑफ पैराबोला। तो ये देखिए पैराबोला के ऊपर है क्वेश्चन, हाई पास, ओवर पासेस, अंडर पासेस, तो ये सब देखते हैं। तो अपन पैराबोला के बारे में आपने देखा होगा कि पैराबोला क्या होता है, इस शेप में ये देखिए एक पैराबोला यहाँ बन रहा, अगर हम यहाँ ध्यान से देखें, और यहाँ पे भी ये जो यहाँ पे भी पैराबोला का शेप बन रहा है, और एक यहाँ पे भी पैराबोला जैसा शेप बन रहा है, और पैराबोला को यहाँ पे इसमें दिखाया गया है, ठीक है। सो ये इसकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री यहाँ पे अगर हम देखें तो ये वर्टेक्स है और ये हमारी एक्सिस है, ठीक है, ये हम थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं इसके बारे में, वर्टेक्स ये है और ये एक्सिस है। तो अब हमें क्वेश्चन की तरफ नज़र डालना है, तो इसमें क्वेश्चन क्या है, देखिए इफ द हाईवे पासिस ओवरपास इज रिप्रेजेंटेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2x - 8, तो देन द जीरोज। तो इसमें इस फिगर से कोई लेना देना नहीं, इसमें जीरोज निकालने हैं, तो हम सीधे तरीके से जीरोज निकालेंगे। तो इसको क्या करेंगे हम, देखिए इसको इसको हमने मल्टीप्लाई किया, सो दैट इज माइनस, कितना आया माइनस का 8x² आया। तो इसके अगर हम फैक्टर ऐसे फैक्टर बनाने हैं जिसका डिफरेंस जो है 2 हो, ठीक है, तो इसमें 4 to the 8, तो 4 to the 8, तो 4x एक हो जाएगा और एक 2x हो जाएगा, और 4x को हम माइनस में रखेंगे, 2x को हम प्लस में रखेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे मिडिल टर्म में क्या चाहिए, माइनस 2 चाहिए। तो इसके अगर हम ऐसे फैक्टर्स बनाएंगे इसके, तो ये क्या हो जाएगा, x² - 4x और प्लस का 2x और माइनस का 8, ठीक है। अब इसमें से x कॉमन लिया इन दोनों में से, तो x कॉमन लिया तो यहाँ पे आया x - 4, और यहाँ से प्लस 2 कॉमन लिया तो यहाँ पे आया x - 4, ठीक है। तो एक ब्रैकेट में आ गया x - 4 और दूसरे ब्रैकेट में आ गया x + 2। अब हमें जीरोज निकालने हैं, तो दो जीरोज दोनों कंडीशन हो सकती हैं, आइदर x - 4 = 0, और ये भी हो सकता है कि x + 2 = 0, ठीक है। तो x = तो हो जाएगा हमारा 4, और ये क्या हो जाएगा x = -2 हो जाएगा, यानी दो हो गए। तो जिसका 4+4 और -2 जिसमें आंसर में हो उसी को टिक कर दीजिए। तो इसमें देखिए, इसमें सेकंड वाले ऑप्शन में 4 और -2 है, तो इसका सेकंड वाला ऑप्शन हमारा ये करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अब बी सब पार्ट की तरफ। तो बी सब पार्ट में देखिए क्या है, यहाँ पे कह रहा था हाईवे ओवर पासेस इज रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल कैन बी एक्सप्रेस्ड ग्राफिकली, नंबर ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल इंटरसेक्ट्स एक्स एक्सिस। तो इसमें देखिए इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस, अगर इसमें जो हाईवे ओवरपास है, तो हाईवे ओवरपास ऐसे शेप में दिया हुआ था, जैसे हमने देखा था हाईवे ओवरपास कैसा था, ऐसा था। तो इस शेप को अगर हम देखें तो इस हिसाब से ये होगा, तो इस हिसाब से होगा, तो एक्स एक्सिस पर कहीं भी गिरेगा ये क्या होगा, एक्स एक्सिस पे जितने जीरो हो, जितना भी मतलब एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा उतने ही जीरो हो जाएंगे। मान लीजिए अगर यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो यहाँ पे दो जीरोज हो जाएंगे, एक ये हो जाएगा एक ये हो जाएगा, ठीक है। तो एक्स एक्सिस पे ही हम इसके जीरोज निकालेंगे, ठीक है। सो इसमें क्या होगा, इंटरसेक्ट्स एक्स एक्सिस हो जाएगा, ये आपने पढ़ रखा होगा। सो द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल इंटरसेक्ट्स एक्स। अगर मान लीजिए यहाँ नहीं करता, ये यहाँ टच करता है, तो यहाँ टच करेगा तो एक ही होगा यहाँ पे,
ठीक है, एक ही होगा, यहां पे टच करेगा तो दो होगा, लेकिन इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस पे ही करेगा इस तरह के पैराबोला में। तो इसका ऑप्शन जो फर्स्ट वाला करेक्ट आंसर होगा, तो इसका बी का फर्स्ट हो गया इंटरसेक्ट्स एक्स एक्सिस। अब हम बढ़ते हैं इसके सी सब पार्ट की तरफ। ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज अ, और इसमें तो कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं, पैराबोला का जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का पैराबोला होता है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ये। ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज अ पैराबोला, तो इसका थर्ड वाला पार्ट सही होगा। बढ़ते हैं सब पार्ट डी की तरफ। डी में क्या है, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ हाईवे अंडरपासेस हुज 10 इज 6। तो 106 है, तो मान लीजिए कि 106 है, मतलब हमने मान लिया कि अल्फा इज इक्वल टू 6 है। अब बीटा हमें पता नहीं, बीटा हमें निकालना है, ठीक है। और वो कह रहा सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू 0, तो सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू 0, यानी अल्फा और बीटा का जो सम है ना, अल्फा और बीटा का सम वो 0 के बराबर है। तो अल्फा की वैल्यू अगर 6 है तो बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये इधर ट्रांसपोज करेंगे तो बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा। तो बीटा इज इक्वल टू -6 हो गया, मतलब हमारे पास अल्फा की वैल्यू भी है और बीटा की वैल्यू है। अब हमें क्या निकालना है, तो इसके पॉलिनोमियल कैसा बनेगा इसका, तो हम देखते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर और माइनस सम ऑफ जीरो, तो सम ऑफ जीरो को हम लिख देते हैं अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि हमने इसमें अल्फा और बीटा माने हैं, और मल्टीप्लाइड बाय एक्स और प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी अल्फा मल्टीप्लाइड बाय बीटा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे इसकी वैल्यूज रख दीजिए, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा कितना था हमारा 6 और बीटा कितना आया था -6, सो 6 -6 और मल्टीप्लाइड बाय एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा कितना है हमारा 6 है, तो यहाँ पे हम 6 लिख देते हैं एक ब्रैकेट में, और बीटा है हमारा -6, तो इसको दूसरे ब्रैकेट में -6 लिख देते हैं। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस, और ये 6 में से 6 गया तो क्या हो गया 0 इंटू एक्स, और 0 इंटू एक्स हमारा 0 हो जाने वाला है, ये क्या होगा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 6 6 36 हो जाएगा, यानी ये तो खत्म हो गया 0 हो गया, यानी हमारी जो पॉलिनोमियल बना वो क्या बना एक्स स्क्वायर -36। सो एक्स स्क्वायर -36 जहां लिखा है वहां पे टिक कर दीजिए, सेकंड वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं सब पार्ट ई की तरफ। ई सब पार्ट में क्या है, देखिए द नंबर ऑफ जीरोज दैट पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 4। अब इसको अगर हम ए माइनस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी से निकालेंगे तब भी एक्स स्क्वायर ही आएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 और प्लस 4 माइनस में 4x और प्लस में 4, यानी ये एक्स स्क्वायर माइनस 4x और प्लस 8 ये रहेगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल रहेगा। तो अब इसके देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कितने जीरोज होते हैं, 2 जीरोज होते हैं, तो द नंबर ऑफ जीरोज दैट द पॉलिनोमियल, वैसे तो यहीं से दिख रहा लेकिन मैंने इतना बता दिया आपको कि आगे भी आप समझ लें कन्फ्यूज ना हो, तो इसके लिए तो यहाँ पे ही दिख रहा था कि इसका स्क्वायर है, मतलब ये क्या बनने वाला है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनने वाला है, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में एटमोस्ट 2 जीरोज होते हैं, सो द नंबर ऑफ जीरोज दैट द पॉलिनोमियल एफ एक्स कैन हैव, सो कैन हैव कितना मैक्सिमम कितना हो सकता है इसका 2 हो सकता है, तो इसका ई ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, इसका ई मतलब ई का जो है सेकंड वाला करेक्ट आंसर होगा सेकंड पार्ट, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में ये बताया है कोई रेस कर रहा है, तो यहाँ पे देखते हैं स्टॉप वॉच वॉज यूज्ड टू फाइंड द, ठीक है, इसमें नीचे जो है यहाँ पे दिया हुआ है, इसमें इसका मतलब ये स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, यानी चैप्टर 14 से लिया गया है ये, तो ठीक है इसमें ये टाइम दिया हुआ है और यहाँ पे ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हुए हैं, ये फ्रीक्वेंसी दी हुई है और ये जो है इसका क्लास इंटरवल दिया हुआ है, तो इस तरह से दिया हुआ है। तो अब देखते हैं इसको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है उस हिसाब से हम चलेंगे, तो ये हमने यहाँ पे कॉपी कर लिया इस क्वेश्चन का, ठीक है, तो ये क्वेश्चन का कॉपी कर लिया। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि ये जो दिया हुआ है एस्टिमेट द मीन टाइम हमें निकालना है, तो मीन टाइम निकालना बहुत ही लेंदी है, तो कैलकुलेशन कैसे होगी देखिए, सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे इसका जो है जो एक्स आई है यहीं पे निकाल लें अपन, तो एक्स आई क्या होगा इन दोनों का प्लस का हाफ कर दें, तो इसका एक्स आई हो गया 10, ठीक है, ये 10 हो गया, और 20 प्लस 40 डिवाइडेड बाय 2 तो ये हो गया 30। अब इसके बाद तो आपको पता ही है 20 20 प्लस करते जाइए, वैसे तो 40 प्लस 60 100 डिवाइडेड बाय 2 तो ये 50 हो गया, और ये वाला इसका सम करो और अब डिवाइडेड बाय 2 कर दो 70 हो गया, ये 180 का हाफ कर दो तो ये 90 हो गया, तो इस तरह से ये तो हमारे क्या आ गया, ये हमारा एक्स आई आ गया और एफ आई हमें यह दिया हुआ है, तो एफ आई इंटू एक्स आई हम फटाक से यहीं करते चले जाएँ, तो 8 इंटू 10 कितना हो गया 80 हो गया, और ये कितना हो गया 30 इंटू 10 300 हो गया, और यहाँ पे 13 5 65 जीरो का जीरो तो 650 हो गया, और 7 6 42 तो ये 420 हो गया, और यहाँ पे 9 3
27, तो ये 270 हो गया। तो इस तरह से अब इनको हम सम करेंगे, तो इनको सम करेंगे तो 0000, तो ये इसका टोटल सम कितना आएगा, यहाँ पे लिख लेते हैं। तो ये क्या होगा, जो टोटल सम होगा ये हमारा सिग्मा एफ एक्स रहेगा, सिग्मा एफ आई एक्स आई। सो सिग्मा एफ आई एक्स आई जो है वो टोटल कर लेते हैं, तो यहाँ तो जीरो आया, फिर 7 और 2 9 9 5 14 14 14 14 और 6 20 22, सो 22 आया, कैरी ओवर का 2 आया, ठीक है। उसके बाद 2 प्लस 2 4 4 प्लस 4 8 8 और 6 14 14 और 3 17, मतलब ये 1720 आ गया। अब हम फटाक से इनको टोटल कर लें, तो देखिए इनको ये कितना हुआ, 10 प्लस 8 18 18 21 21 31 31 31 और 9 40, तो इसका टोटल कितना आ गया, ये आ गया हमारा सिग्मा एफ आई। सो सिग्मा एफ आई हमारा कितना आ गया, 40 आ गया। वैसे हमने यहाँ पे डिटेल करके भी दिखाया हुआ है, तो ये 40 आ गया और ये 1720 आ गया। तो अब हमें मीन निकालना था, तो मीन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो मीन हमारा होगा वो क्या होगा, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। सो सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई, तो सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना था हमारा 1720 और अपॉन में कितना था 40, ठीक है। तो इस तरह से ये निकालेंगे, तो देखिए जीरो से जीरो कैंसिल हो गया और यहाँ पे 4 4 16 बन बचा 12 हो गया, ये 4 3 12, यानी 43 आंसर आ गया। तो 43 माने ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। ये इतना बड़ा क्वेश्चन वैसे आता नहीं है ऐसे में, लेकिन फिर भी अब इसमें आया है तो अपने को तो करना ही है। चलिए करते हैं इसका बी सब पार्ट, वट विल बी द अपर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। देखिए ये तो बिल्कुल पक्का पका है क्वेश्चन रखा है, अपर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। मॉडल क्लास की अपर लिमिट क्या होती है, इसमें जो भी नंबर ऑफ हाइएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है, इसमें 13, तो इसी की जो ये क्लास है, ये क्लास इंटरवल है, इसका जो है अपर लिमिट ही हमारा आंसर होगा। तो इसकी लोअर लिमिट कितनी है 40 और अपर लिमिट कितनी है, ये है 60, ये हमारी अपर लिमिट है। अपर लिमिट क्या है इसकी मॉडल क्लास की, 60 है, तो 60 जहां है टिक कर दीजिए, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, ठीक है। तो बी सब पार्ट हो गया। अब सी सब पार्ट पे बढ़ते हैं, सी सब पार्ट में क्या कहा गया है, द कंस्ट्रक्शन ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल इज यूजफुल टू डिटरमाइनिंग। तो ये तो बिल्कुल आपका थ्योरी का बेस्ड क्वेश्चन है, मीडियन को डिटरमाइन करने के लिए करते हैं। तो इसका जो है इसका सी पार्ट का सेकंड वाला हो जाएगा, कंस्ट्रक्शन ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी किस लिए करते हैं हम, टू डिटरमाइन द मीडियन, ठीक है। तो ये थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, ये मीडियन हो गया। अब इसमें डी पार्ट पे चलते हैं, डी सब पार्ट पे चलते हैं। सो डी सब पार्ट में क्या है, द सम ऑफ द लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास एंड मॉडल क्लास इज, ये भी थोड़ा सा बड़ा हो गया क्वेश्चन। तो इसमें देखिए अभी हमने पहले मॉडल क्लास निकाल ली थी, तो मॉडल क्लास तो हमारी क्या थी, ये वाली मॉडल क्लास थी, तो इसमें से लोअर निकालनी है। तो अब देखिए मॉडल क्लास तो हमने यहाँ पे लिख ले रहे हैं, मॉडल क्लास लिख ले रहे पहले, मॉडल क्लास हमारी जो है वो कितनी थी, 4260 थी। अब इसको बाद में देख लेंगे, लेकिन अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पे जाना पड़ेगा। सो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो देखिए यहाँ पे 8 है और 8 प्लस 10 कितना हो गया 18, और 18 प्लस 13 कितना हो गया 31, और 31 प्लस 6 कितना होगा 37, और 37 प्लस 3 40, हालांकि ये हम टोटल पहले भी कर चुके थे। सो 40 डिवाइडेड बाय 2, सो 40 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो इसका क्या आएगा 20 आएगा। तो 20 कहाँ सेट होगा, देखिए अब 20 इसमें तो होगा नहीं 18 वाले में, इस वाले में सेट होगा 20, 20 कहाँ जाएगा, ये इस वाले में सेट होगा। तो इसको ऊपर ऊपर देखते चले जाओ, तो ये कौन सा हो गया, ये वाली क्लास इंटरवल आएगा इसमें। तो इसमें क्या हो गया, मीडियन का भी वही आया, मीडियन क्लास भी हमारी वही है। तो मीडियन क्लास क्या है, मीडियन क्लास भी हमारी क्या है 4260 है। अब इसमें हमें लोअर लिमिट निकालनी है, तो इसकी लोअर लिमिट भी 40 है और इसकी भी लोअर लिमिट 40 है। सो सम ऑफ लोअर लिमिट्स, सम ऑफ लोअर लिमिट्स, ठीक है, लोअर लिमिट्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 40 प्लस 40, सो दैट इज 80। तो 80 जहां है वहां पे आप टिक कर दीजिए, तो 80 कहां है, थर्ड वाले पे, तो थर्ड वाले पे इसको हम टिक कर देंगे, ऑप्शन डी इसका आंसर हो गया, ठीक है। अब सब पार्ट ई की तरफ चलते हैं। सो ई सब पार्ट में देखिए, हाउ मेनी स्टूडेंट्स फिनिश्ड द रेस विद इन 1 मिनट। सो 1 मिनट में रेस कितने ने किया, तो यहां पे देखिए सेकंड में दिया हुआ है, तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं, ये तो आपको पता ही है। तो 60 सेकंड तक देख लो, यहां पर रेंज कहां तक आ रही है, 60 सेकंड तक आ रही है, मतलब 40 to 60, ये 60 सेकंड तक की है। तो इन तीनों का एड कर दो, ठीक है, 60 सेकंड तक वो कह रहा ना, हाउ मेनी स्टूडेंट्स फिनिश द रेस, तो ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, तो इतने 60 सेकंड के अंदर इतने स्टूडेंट्स रेस को फिनिश कर लेंगे। तो 8 प्लस 10 कितना हुआ 18, और 18 प्लस 13
तो 18, 30, 31, सो 31 यानी ऑप्शन थ्री जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरह से आपने देखा कि ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन अपन ने किए, और मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई होगी। तो इसको प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू वेरी मच।